अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तां ॾिसो पिया कुकिंग शो में। सब खैर सौंदा मज़ेदार रेसिपीज तांजी फरमाइशूं हमेशा वांगर पूरी कंदा अचूं पिया। अज भी ब मज़ेदार रेसिपीज हैं, वो इन फरमाइशों। एक है देगी कुरमो। देगी कुरमो हुआ तो बीफ में मटन में भी ठहंदो आ वधीक, लेकिन चिकन में भी ठहंदो आ। अज है अरबा आई चिकन बीफ मिलियो कोन था, इन करे असां ठाहियूं पिया चिकन में। लेकिन तरीक़ेकार साॻियो हूंदो आहे, हीअ फरमाइश जंहिंजी हूंदी हुई पंहिंजी ॾिसजो ऐं लिखजो। बेसण जी बर्फ़ी, सियारे में बेसण जी काफ़ी सारी शयूं ठहंदियूं आहिनि, त बेसण जी कढ़ी जेका हूंदी आहे उहो असां गर्मियुनि में ठाहींदा आहियूं, ठीकु आहे। त बेसण जी जेका बर्फ़ी आहे उनजी बि फरमाइश आहे पे, उहो ठाहिणु सेखारियां पियो। तमामु बहितरीन रेसिपीज़ आहिनि, ॿई फरमाइशूं आहिनि। सुभाणे 9 बजे रिपीट हलंदियूं, स्क्रीन ते नंबर ले पियो। का बि फरमाइश करणी हुजे, कुझु बि पुछणो हुजे, कॉल करे पुछी सघो था एनएक्स सां सां गॾु। एनएक्स में आहे जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन वग़ैरह तव्हां वठी सघो था, सॼी शयूं अवेलेबल आहिनि, ठीकु आहे। ऐं जेका रेसिपी ठहे पई बार बार मां रिपीट कराईंदो आहियां, पेन ऐं पनो पाण सां गॾु रखंदा कयो, का शइ सम्झ नथी अचे त लिखंदा वेंदा कयो, ठीकु आहे। अॼु की जो रेसिपी बना रहे हैं, फरमाइश थी, मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीक बनाएंगे देगी कोरमा। देगी कोरमा बन रहा है चिकन में, क्योंकि आज मैंने तो अनाउंस कर दिया था कि बुध को बनाएंगे, लेकिन आज नागा होता है गोश्त का, बड़े गोश्त का। तो आपको मैं जो प्रोसेस सारा बता रहा हूँ आप बनाएंगे चिकन में, देखेंगे चिकन में, लेकिन आप बीफ में बनाना चाहती हैं मटन में तो सेम तरीके से बनेगा। सिर्फ क्या होता है टाइमिंग का फ़र्क होता है, चिकन गल जाती है 20 से 25 मिनट में, बीफ और मटन जो होता है वो 35 से 40 मिनट 45 मिनट ले लेता है। कुकर में प्रेशर देंगी तो 12 मिनट में हो जाता है, ठीक है। तो उसके साथ हम बना रहे हैं बेसन की बर्फ़ी। बहुत दिनों से फरमाइश आ रही थी बेसन की बर्फ़ी की, तो दोनों रेसिपीज़ कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेंगी। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है इसको सेव कर लें, इस पर कॉल किया कर लें, कोई फरमाइश करनी हो, कुछ भी पूछना हो, कॉल करके पूछ सकते हैं। एनएक्स हमारे साथ, एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन वगैरह सब अवेलेबल है, ये आप ले सकते हैं। किचन में चलते हैं, रेसिपी करते हैं स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोरमा बनाना शुरू करते हैं। कोरमे के लिए आपने चिकन के 3 पाव चिकन की मैं रेसिपी बता रहा हूँ, 750 ग्राम, ठीक है। आप क्वांटिटी बढ़ाना भी चाहें तो 1 किलो भी अगर करेंगी तो इसी मसालों में, इसी क्वांटिटी में गोश्त सिर्फ आपने बढ़ा के बनाना है, ठीक है। बाकी दही, प्याज सबकी क्वांटिटी सेम होगी, सिर्फ बोटियाँ बढ़ जाएंगी 1 पाव, बाकी प्रोसेस सेम होगा, ठीक है। टे पा चिकन में ठाया पियो, अगर तहां मुर्गी के गोश्त में नथा ठायो, वडे में ठायो था तदे भी टे पा जो बुधाय पियो। आई अगर तहां किलो जो ठाइन चाहिंदो त सिर्फ तहां के गोश्त जी क्वांटिटी वधाइनी है इनमें, बाकी जेके मसाला, दही, बसर, ये सब शयूं, अदरक, तुम सब हुनी क्वांटिटी में विझो जेको असां विझंदासीं, ठीक है। अच्छा, देगी कोरमा जो बनता है वैसे बनता है बनस्पति घी में। बहुत से लोग ऑयल यूज़ करते हैं, बहुत से लोग घी में। देखिए ओरिजिनल जो रेसिपी है वो बनस्पति घी में बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे पतीला, जिसमें हमने बनाना है, ये पतीला ले लिया। इसमें हम डालेंगे आधा बनस्पति घी, हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा लेना है, ठीक है। इसमें ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे मैं लूँगा टेबल स्पून के हिसाब से, 1, 2, 3, 4, 5 टेबल स्पून बनस्पति घी, ठीक है। 5 खाने के चम्मच बनस्पति घी, और इसी तरह मैं डालूँगा 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ये होगी हाफ कप से ज़्यादा, 2, 3, 4 और ये 5, 5 खाने के चम्मच बनस्पति घी, 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, ठीक है। इसकी क्वांटिटी अगर देखें तो 1.5 कप होगा, हाफ कप से ज़्यादा होगा, ठीक है। 70% जितना होना चाहिए कप का हिस्सा, ठीक है। 5 खाने के चम्मच बनस्पति घी और 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। और अगर बनस्पति घी नहीं खाते तो फिर आप कुकिंग ऑयल यूज़ करें, लेकिन देगी कोरमे का दोबारा बता दूं कि बनस्पति घी में ही बनता है ओरिजिनल रेसिपी, और ये फरमाइश बहुत ज़्यादा आ रही थी तो आज मैं बना रहा हूँ। अब इसमें हमने क्या डालना है, यहाँ पे हमने लेने हैं साबित गरम मसाले, ठीक है। साबित गरम मसालों में जाएंगे तेज़पत्ते 2 अदद, साबित काली मिर्च है यहाँ पर कितनी, 12-15 दाने, छोटी इलायची ये हैं 8, ठीक है, 6 से 8, 7-8 होनी चाहिए, लौंग 4, 2 बड़ी इलायची, और ये है दालचीनी की, छोटी स्टिक्स हैं तो 2 ले ली, बड़ी है तो आपने 1 ले लेनी, और तेज़पत्ते 2 से 3 अदद, ठीक है। तेज़पत्ते 2 से 3 अदद ले लें, छोटी इलायची हरी इलायची जो होती है ये आपने 8 लेनी है, बड़ी इलायची 2, लौंग 4 से 5, 6 ले लें, और ये साबित लाल मिर्च, सॉरी साबित काली मिर्च जो है ये आपने ले लेनी है 15 दाने, और 1 बड़ी दालचीनी की स्टिक अगर टूटी हुई है तो 2 ले लें।
घी और 5 खाने के चम्मच घी, 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, 5 खाने जा चमचा घी, 5 खाने जा चमचा कुकिंग ऑयल, तेज़ पत्ता 2, साबित कारा मिर्च 15 दाणा, नंढा फोटा सुठा वारा खणजो जैमें खुशबू हुए, सावा कलर जो हुआ, अच्छे कलर वाला हों, अर्क निकल हों, उनमें जायको नो अचे, ये खड़ो तकमें 8-7 दाणा, लौंग 4 का 5 वा फोटा, दालचीनी की 1 वी काठी या 2 नंढी काठियो, ठीक है, तेज़ पत्ता 2 का 3, साबित कारा मिर्च विझंदो 15 दाणा, हे विझंदो नंढा फोटा इनमें 8-7, लौंग 4 का 5 या 6 दाणा भी छजो, 2 वा फोटा और दालचीनी की 1 स्टिक। अब ये साबित गरम मसाला इसमें चला गया, साबित गरम मसाला डाल के आपने क्या करना है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था क्योंकि घी गरम होने लग गया था, ठीक है। साबित गरम मसाला डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको हल्का सा कड़कड़ाहट की जैसे आवाज़ आती है ना घी में गरम मसाले की, तो उस तरह इसमें आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है, कड़कड़ाहट जी खड़ी आवाज़ इंदी। अच्छा, ज़ीरा मैंने इसमें नहीं डाला है साबित, क्योंकि ज़ीरा नहीं डलता है साबित, ज़ीरे का पाउडर जाएगा, ज़ीरो साबित ना विधो हम जो असा पाउडर विझंदासीं। अब जैसे इसमें कड़कड़ाहट सी शुरू होगी, इसमें आपने डाल देनी है चिकन 3 पाव, ठीक है, 3 पाव चिकन है हमारे पास बड़े पीसेज में, जैसे कोरमे में बड़े पीसेज होते हैं, छोटी बोटियाँ चिकन की करेंगी तो बिल्कुल हलवा बन जाएगा, तो इस तरह आपने 3 पाव ले लेना या 1 किलो आपने चिकन ले लेना, 3 पाव या 1 किलो मुर्गी खड़ी वो, ठीक है, 3 पाव से 1 किलो जितनी चिकन ले ली मैंने, कवर कर दिया ताकि चिकन का जो पानी निकलेगा तो इसमें छींटे आएंगे ऑयल में जाने से, 1 मिनट के लिए कवर कर दें, किचन भी गंदा नहीं होता, कपड़ों पे भी छींटे नहीं आते और चिकन में स्टीम बनती है और यो जो इसका पानी होता है वो ड्राई अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। मुर्गी के 1 मिनट कवर करवा, इस दौरान हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून भर के, ठीक है, जैसे 1 मिनट के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 खाने के चम्मच भर के, उसके बाद इसमें मसाले जाने वाले, मसाले क्या हैं वो आपने नोट कर लेने हैं यहाँ पे, ये हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च भर के 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर भर के 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच भर भर के, ठीक है, ये 3 चाय के चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, देगी लाल मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर डब्बे में मिलता है, तीनों में से कोई भी एक चीज़ डालनी, क्योंकि कोरमे का कलर जो आता है वो कश्मीरी लाल मिर्च या देगी लाल मिर्च से आता है, ठीक है। ये डालने के बाद आपने क्या करना है, इसमें डालना है ज़ीरे का पाउडर, यहाँ पे है ज़ीरा, ज़ीरे को आपने 1 चाय का चम्मच भून के हल्का सा तवे के ऊपर फिर पीस लेना, ये डाल दिया, ये है जायफल जावित्री का पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर भर के 1 चाय का चम्मच, ठीक है, या 1.5 चाय के चम्मच तक चली जाएगा, थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2-3 चाय के चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च भर के 1.5 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरे को हल्का सा सेक लेंगे, उसके बाद जायफल जावित्री का पाउडर 1 चाय का चम्मच, चिकन को मैं पलटा दूंगा, ठीक है, चिकन के पलटाई से अंदाज़ी चिकन जो पानी खुश्कियो थी हल्को हल्को जो मथा कलर अचान शुरू किया, फ्राई नहीं करना है चिकन को, इसका देखें कलर चेंज हो गया और इसका जो पानी था वो ड्राई हो गया, सारी बोटियों को मैंने पलटा दिया, गरम मसाले के साथ इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी, गरम मसाले से अगर इनमें तमाम बेहतरीन खुशबू आएगी। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट भर के 2 टेबलस्पून फुल भर के, 1 और ये 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, या ऊपर भी डाल सकती हैं 3 खाने की चम्मच तक, लेकिन 2 टेबलस्पून काफ़ी है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, ठीक है, हाँ मसाला छान में विंदा, जब तक अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो रहा फिर इसमें मसाले डालते हैं, मसाला छविंदा इतने पीठल गाढ़ा मिर्च भरे विझंदो 1 चाय का चमचे का थोड़ा मथे गाढ़ा हेड 1 चाय जो चमचो भरे विझंदो धाणा पीठल विझंदो इनमें 2 का 3 चाय जो चमचा गरम मसालो पाउडर 1 चाय जो चमचो लूण 1 चाय जो चमचो कश्मीरी गाढ़ा मिर्च फिका गाढ़ा मिर्च देगी गाढ़ा मिर्च हिकड़ी शे हुंदी या पेपरिका पाउडर जो नाले का भी मिलंदो आ इनका कलर सुठो ईंदो आ कोरमे जो ये विझंदासीं 1 चाय जो चमचे का 1.5 चाय जो चमचे तो भरे 0.1 चाय जो चमचो तए के मथा थोड़ो सेके पाउडर करे कुटे विझंदो जायफल जावित्री पाउडर विंदो इनके बगैर जायको न इंदो गाढ़ा मिर्च 1 का 1.5 चाय जो चमचो 1.25 चाय जो चमचो हेड 1 चाय जो चमचो धाणा 3 चाय जो चमचा गरम मसालो पाउडर 1 चाय जो चमचो लूण 1 चाय जो चमचो कश्मीरी गाढ़ा मिर्च 1.5 चाय जो चमचो जीरे जो पाउडर 1 चाय जो चमचो तए के मथा सेके पाउडर करे आई जायफल जावित्री जो पाउडर। अब ये सारे पाउडर जितने मसाले ये सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए, ठीक है, ये मसाले डालने के बाद आपने साथ थोड़ा सा पानी रखना है क्योंकि जब हम मसाला घी में डालते हैं या ऑयल में तो वो जलना शुरू होता है और काला पड़ जाता है, इसका कलर अच्छा आने के लिए हमने यहाँ पे डाल देना 3-4 खाने के चम्मच पानी, बस ज़्यादा नहीं हल्का सा,
ताकि जो कौरमे का कलर है वो अच्छा है, मसाले का कलर ब्राउन ना, वरना जिसमें धनिया पाउडर होता है ना वो ऑयल में जाके कलर डार्क कर देता है। तो इस तरह पानी का छींटा देंगी तो इसमें कलर बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हो गया, हल्का सा पानी का छींटा और देंगे इसमें। देखें अभी थोड़ा सा पानी गया तो इसका कलर कितना अच्छा निकल के आ रहा है कौरमे का। ठीक है, इसको 2 मिनट भूनेंगे चिकन को, 2 मिनट भुजेंदा सी चिकन के। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे दही। दही आपने कितनी डालनी है, दही आपने ले लेनी है इसमें 1 कप। ठीक है, बग़ैर मलाई के 1 कप आपने इसमें ले लेनी है दही, और दही को आपने फेंट लेना अच्छी तरह। बस ये दही को फेंट के हम इसके अंदर दही पूरी ऐड कर देंगे। ठीक है, दही डाल दी 1 कप। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, दही जिका है खट्टी ना होजन खपे, 1 कप दही इनके अंदर विझन दो। ठीक है, ये डाल दी दही। बीफ और मटन भी सेम इसी तरह बनेगा, अब सिर्फ उसको गलाने का क्या प्रोसेस है। बीफ और मटन अगर 1 किलो या 3 पाव है तो आप इसमें 1.5 गिलास से ज़्यादा या 2 गिलास जितना पानी डाल के पहले गोश्त को फिर गलाएंगी, फिर उसका जब पानी ड्राई होने लगेगा फिर आपने अगेन उसमें बॉयल पानी डाल के उसकी थोड़ी सी ग्रेवी बढ़ानी होती है। लेकिन चिकन है तो चिकन में हमने दही डाली हुई है। ठीक है, अभी दही में ही चिकन इतनी गल जाएगी, क्योंकि चिकन का जो कुकिंग टाइम होता है वो होता है 20 से 25 मिनट। ठीक है, ब्राउन प्याज जो है वो हम आखिर में डालेंगे। ब्राउन प्याज का प्रोसेस बता दूँ, ये देखें ब्राउन प्याज है हमारे पास। ठीक है, 2 बड़े प्याज लेने या 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेने। जब आपने घी और ऑयल या सिर्फ घी गरम करना है तो उसमें आपने प्याज को गोल्डन फ्राई करके निकाल देना है। गोल्डन फ्राई करके इस तरह जैसे हलीम में हम डालते हैं इस तरह के कलर का प्याज करके आपने निकाल देना है, ठंडा करना है, फिर उसको कूट के दानेदार फिर आपने आखिर में मिलाना जब कौरमा तैयार होने लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ब्राउन प्याज हमारे पास तैयार था हम इसमें तैयार यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपके सामने ब्राउन नहीं किया। ठीक है, पहले आपने ऑयल में या घी में प्याज को ब्राउन करके निकाल देना, फिर उसमें चिकन डालनी है साबित गरम मसालों के साथ। ठीक है, मुर्गी विझण का पहिरी, साबित गरम मसाला विझण का पहिरी, ऑयल गरम कंदो, बसर ब वडियूं गंड या टे दरमियाने साइज़ जो खड़ी हिन कलर में गाढ़ियूं कंदो, जीअं हलीम में असां इस्तेमाल कंदा आहियूं। कढ़ी वचरियो पोइ साबित गरम मसालो ऐं मुर्गी विझी उनके फ्राई कंदो, ऐं बसर थधो करे पोइ बसर खे कुटे जे आख़िर में विझंदासीं जे अंदरि। अच्छा, अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला, ये देखें दही है इसमें। ठीक है, दही के साथ चिकन को मैं थोड़ा भून रहा हूँ, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया, घी नज़र आ रहा है। ठीक है, घी हाँ अलग थे शुरू थी वह, इनमें मां छाके हुआ है, सिर्फ दही भी थी, पानी अना कोनी दो, दही जे पानी में ही चिकन बचे पे। 3-4 मिनट भूनने के बबाद अब हम इसमें डालेंगे 3 कप पानी। चिकन है तो इसमें ज़्यादा पानी, और ये जो देगी कौरमे होते हैं ये होते हैं गाढ़े, गाढ़े बनते हैं देगी कौरमे, कभी भी पतले नहीं होते वो, फिर क्या होता है चिकन का सालन, कौरमे नुमा सालन बन जाता है। आपको जो शादियों वाले देगी कौरमा चाहिए तो उसमें ऑयल और मसाले का दानेदार सा गाढ़ा मसाला नज़र आता है वो अलग से, वही हम बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखना है जब दही का पानी खुश्क हो गया चिकन के साथ, इसका कलर आप चेक करेंगी कितना अच्छा आ रहा है। ये देखें इन तरीके जो रंग अचण खपे कौरमे जो, ठीक है, ये कलर क्योंकि हमने इसमें देगी लाल मिर्च डाली है, कश्मीरी लाल मिर्च, उससे कलर बहुत अच्छा निकल के आया। अब चूल्हा तेज़ करके मैंने इसको 2-3 मिनट घुमाना है इस तरह। जब इसका ऑयल सेपरेट होने लगा इसमें हम डाल देंगे 3 कप पानी, मैं अंदाजे से डाल रहा हूँ, आपने पूरा नाप के डालना है। ठीक है, कौरमे के हिसाब से 3 कप पानी चला गया। 3 कप पानी डालने के बाद पानी को तेज़ आंच पे आपने बॉयल करना है। कभी भी कौरमे में सालन में जब पानी डालती हैं पहले उसको बॉयल किया करें पानी को, जब बॉयलिंग आएंगी फिर आप टेम्परेचर पर ला के फिर आपने कवर करना है, फिर परफेक्ट आपका सालन बनेगा। कभी भी पानी डालकर, पानी जब आपको डालना होता है तो ठंडा पानी ना डाला करें, पानी को गर्म करके डालेंगी तो बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, और अगर ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है तब भी आप उसमें पानी डालें तो पानी को बॉयल करके डाला करें, कच्चा पानी डाल के कभी ग्रेवी नहीं बढ़ाते। अब इसमें बॉयलिंग आने देंगे, हाँ माइंड में बॉयलिंग अचण ॾियां पियो। ठीक है, इनके बाद में कवर कंदासीं ऐं 15 मिंट इनके पचण ॾींदासीं। 15 मिंट में असांजो कौरमो तयारु थींदो, पोइ हिन में असां छाछा विझंदासीं, ॻाढ़ो बसर पीसे, केवड़ा वॉटर विंदो। ठीक है, ऐं हिकु ॿी शइ इनजे मथां मसाला पीसे विझंदासीं, उहो असां बाद में ॿुधाईंदासीं। अब ब्रेक का टाइम आ गया, इसमें जैसे बॉयलिंग आएगी तेज़ आंच पे तो फिर मैं इसको कवर करूँगा 15 से 18 मिनट 20 मिनट तक, इसको दम पे हल्की आंच पे पकने देंगे। उसके बाद आगे क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होंगी वो ब्रेक के बाद बताएंगे। ब्रेक पर होता है
वेलकम बिक नाज़िम ब्रेक ते हुन खां पहिरीं तव्हां सां जेको कोरमो ठहियो पिए पहिरीं 5 मिंट तेज़ बाहि ते जॾहिं बॉइलिंग अची वई पोइ कवर करे हाणे हिनखे मीडियम फ्लेम ते रखी छॾियो, मीडियम दरमियानी बाहि ते रखी छॾियो आहे। हे 20 मिंट ताईं 18 मिंट ताईं पचंदो रहंदो, ठीकु आहे। कोरमा जो था इसको कवर कर दिया, पहले बॉइलिंग किया, फुल अच्छी बॉइलिंग आने के बाद इसको कवर करके आपने पकने देना। बीफ में आपने 2 गिलास तक पानी डालना है, ठीक है, 1 किलो बीफ में, और चिकन में 3 कप काफ़ी पानी, क्योंकि चिकन में दही का भी पानी आएगा और गाढ़ा होना चाहिए कोरमा, पतला नहीं होना चाहिए। बीफ में इसलिए डलवा रहा हूँ क्योंकि बीफ को जब आप गलाने के लिए रखेंगी, यहाँ पे हमने इसे रखा है कितना टाइम, यहाँ पे हमने रख दिया है इसको 20 मिनट के लिए, उसको आप रखेंगी 40 मिनट तक हल्की आँच पर ताकि गोश्त आपका बहुत अच्छा गल जाए। प्रेशर देना चाहेंगी तो 12 मिनट का आपने प्रेशर देना है बीफ को, इसको प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन बहुत से नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ठंड है तो वहाँ पे चिकन भी प्रेशर कुकर में बनाई जाती है, तो आप अगर चिकन को प्रेशर देंगी तो 4 से 5 मिनट का प्रेशर देंगी, ठीक है। नॉर्दर्न एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, जहाँ प्रेशर कुकर के बगैर चिकन गलती नहीं है, ख़ासकर मरी वरी साइड हैं, कलाम है या एबटाबाद वगैरह साइड पर, तो वहाँ के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ तो आप लोग ख़ुद बना लें वैसे। अब हम बनाते हैं बेसन की बर्फ़ी। बेसन की बर्फ़ी की भी बहुत फरमाइश आ रही थी, तो इसके लिए आपने एक पतीला लेना है। बेसण जी बर्फी कीअं ठहंदी, पतीलो खणंदासीं, ठीक है। इसमें हमने डालना है 1 कप बनस्पति घी, ठीक है, 1 कप बनस्पति घी, ठीक है, इस तरह जमा हुआ। अगर लिक्विड में तब भी 1 कप, जमा हुआ है तब भी 1 कप, ठीक है, ज़्यादा नहीं लीजिएगा। 1 कप बनस्पति घी चला गया, जैसे घी यहाँ पे मेल्ट होगा इसमें हम डालेंगे 2.5 कप बेसन। बेसन नापने के लिए ये मेजरमेंट कप, अगर ये नहीं है तो कप सासर वाला कप ले सकती हैं, ठीक है। मेजरमेंट के लिए ये वाला कप या कप सासर आपने लेना है, ठीक है। मेजरमेंट कप भी यूज़ कर सकती है, कप सासर वाला कप भी यूज़ कर सकती है। मग्गे जो होते हैं चाय के आजकल जो फैशन में आए हुए बड़े बड़े, वो आपने मेजरमेंट के लिए नहीं यूज़ करना। जो प्रच के साथ जो कप सासर वाला सेट होता है ना, छोटा नहीं, जो मीडियम साइज़ का अच्छा सेट होता है, बड़ा थोड़ा सा, वो वाले आपने कप नाप के लेना। तो यहाँ पर हमने लेने हैं पूरे नाप के 2.5 कप, तो ये मैं स्पून से नापूंगा इसमें, ठीक है, इस तरह। और घी बहुत गर्म नहीं करना है ताकि बेसन जाते ही जलना ना शुरू हो जाए। अब मैंने इसका टेम्परेचर पे लाके चूल्हा बंद कर दिया, ये 1 कप। फौरन इसमें डालेंगे 2 कप। एबटाबाद से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फैज़ भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अकीला आप कैसी हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। घर में सब खैरियत है? ये सब ठीक ठाक है, खैरियत है, लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा हो गई। सर्दी आजकल बहुत ज्यादा, स्नो पड़ रही है ना बहुत ज्यादा उस तरफ, बिल्कुल बर्फ भी है और साथ बारिश भी है। हाँ, बारिश तो और ज्यादा ठंड ले आती है बर्फ से ज्यादा, बिल्कुल। कोई फरमाइश करनी है आपने, कुछ पूछना है? मिक्स वेजिटेबल जो है वो अचार बनाना सिखा दें। मिक्स वेजिटेबल अचार ऑयल वाला या पानी वाला? नहीं ऑयल वाला, ठीक है। गाजर वगैरह का ना, शलजम, गाजर, गोभी जो होती हैं सब चीज़ें होती हैं, हरी मिर्ची वगैरह, बिल्कुल। अभी इसका मौसम है ना, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं फिर नेक्स्ट वीक बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। चलें ठीक है, आज आप कोरमा बना रहे हैं, मैं इंशाल्लाह बना कर फिर मैं बताऊंगी। हाँ, ये बेसन की बर्फी भी बनाइएगा, सर्दियों की बड़ी अच्छी रखती है, सर्दियों की सौगात है ये भी ना, इंशाल्लाह वो भी मैं बनाऊंगी। चलें, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पे 2.5 कप कॉल आ गई थी, तो कॉल लेते हुए मैंने 2.5 कप इसमें बेसन डाला है, 1 कप भर के बनस्पति घी डाला है, ठीक है, 2.5 कप बेसन भी तो है और 1 कप बनस्पति घी। बेसन को आपने छान के यूज़ करना है, डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है। इसको हल्की आंच पे आपने अब भुनाई करनी है, ठीक है, हल्की आंच पे इसको 7-8 मिनट तक आपने भूनते रहना है। और चूल्हे की आंच में कम कर दूँ, बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए वरना बेसन जलना शुरू हो गया तो फिर इसमें जले हुए बेसन की खुशबू आएगी। अब ये इसमें भुनाई करते रहेंगे, अच्छी तरह आपने भूनना है, भूनते भूनते आपने जब ये बिल्कुल सेट हो जाएगा फिर हम इसमें एक शीरा डालेंगे, ठीक है। शीरा क्या होगा, 1.5 कप चीनी, 1.5 कप चीनी और 1.5 कप पानी का हमने शीरा बनाना है और वो इसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे शीरा बनाना भी रख देते हैं, ठीक है, बीच वाला चूल्हा मैं ऑन करता हूँ। तो इसमें हमने 1.5 कप चीनी, मेजरमेंट कप ले लेते हैं, बेसन की बर्फ़ी जिनकी फरमाइश थी नोट कर लीजिएगा, आज बन रही है रेसिपी, ठीक है।
इसको क्लियर कर दूं ताकि इसके अंदर बेसन ना हो। अब यहाँ पे चीनी हमने लेनी है 1.5 कप पूरी नाप के, ठीक है। कप का वही साइज़ होना चाहिए जितना आपने बेसन का लिया, 1, और ये 1/2। 1.5 कप चीनी, ठीक है, 2.5 कप बेसन था तो 1.5 कप चीनी जाएगी, 1.5 कप खंड बिंदी और 2.5 कप बेसन हो, 1.5 कप खंड बिंदी। बेसन को मैंने जैसे छोड़ दिया, आपने छोड़ना नहीं, हाँ ये नॉन स्टिक है मेरे पास बर्तन तो मैं छोड़ देता हूँ इसे, आप लोग ने छोड़ना नहीं है नॉर्मल सिल्वर वाले में, वो क्या होता है फिर जलना शुरू हो जाएगा बेसन, ठीक है। इसमें जलने का ख़तरा नहीं होता, फिर भी एहतियातन स्पून घुमाता रहूँगा। अब इसको भूनते रहेंगे हल्का सा, ठीक है, खुशबू आने लगेगी इसके अंदर से, और हल्की आंच पे आपने इसको भूनते रहना है, हल्की आंच पे, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, 1.5 कप चीनी डाली थी शीरे में, और 1.5 कप आपने यहाँ पे लेना है पानी, सेम क्वांटिटी में, 1, और ये 1/2, ये हो गया 1.5 कप पानी, ठीक है, 1.5 कप चीनी, 1.5 कप पानी। इसको यहाँ पे पकाने के लिए रख देता हूँ सेंटर में, और ये शीरा तैयार होता रहेगा, ये फिर हमने बेसन की बर्फ़ी में ऐड करके फिर पकाना है, ठीक है। इतने शीरो तैयार थे, वो बेसन के भुनियों था, बिल्कुल इजी रेसिपी है बेसन की बर्फ़ी की, और जिनकी जिनकी फरमाइश थी नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोग सब मिस ना हो जाए, ठीक है। कल सुबह 9 बजे रिपीट भी चलेगा, जो नए आते हैं मेम्बर्स आते हैं व्यूवर्स आते हैं तो वो आप के लिए बता दूं कि बुध जुमेरात जुम्मा हमारा शो होता है 3 दिन, ठीक है, बुध जुमेरात जुम्मा 3 दिन लाइव होते हैं, नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे रिपीट चलता है। चंगी तरह इनके भुनिया प्यो, अच्छी तरह भूनते रहेंगे। अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें घी की एडिशन करेंगे, ठीक है, बाद में हम जाके, तो घी कहाँ रखा हुआ है, चलें ठीक है, ब्रेक आएगा तो दीजिएगा थोड़ा, अगर आपको जैसे ड्राइनेस लगे ना इसमें तो फिर आप इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच घी ऐड कर सकती हैं, ठीक है, जलना नहीं चाहिए, जले हुए पीसेस नहीं आने चाहिए। कोरमे को चेक करते हैं, ये देखें ज़बरदस्त हमारा कोरमा तैयार हो रहा है, 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट इसको और छोड़ेंगे, ठीक है, 10 मिनट थी वैन, 10 मिनट इनके मजीद छदंदाजी, एक दफ़ा चमचो लाई था छूँ, छोकि चिकन जेका है मुर्गी गरी वी है, ये ऐसो हड्डी जेका है लेग पीस का कवर पी मुर्गी जो जो गोश्त हों हड्डी का धार थे शुरू थी खास कर जो लेग पीस हों में, तो इनको मतलब है चिकन तैयार है, ठीक है। लेग पीस से पता चल जाता है चिकन का कि कितनी तैयार हो गई, जब लेग पीस से चिकन अलग खुलना शुरू हो जाती है तो समझे टूटनी नहीं चाहिए, खुलती है तो समझें कि आपकी चिकन हो गई है तैयार, ठीक है। ये हमारी हो गई है बेसन भुनाई की तरफ आ गया, अच्छी तरह इसको भूनते भूनते इस तरह हिलाते जाएं, जलना नहीं चाहिए। शीरा जैसे यहाँ पे तैयार होगा ये हम बेसन में मिलाएंगे और इसको फिर अच्छी तरह पकाएंगे, ठीक है, चंगी तरह पचाएं, पे बेसन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फिर इसमें जाएगा इलायची का पाउडर, ठीक है, 1 चाय का चम्मच, 20 अदद इलायचियाँ आपने पीस के इसके अंदर छिलके के साथ ये ऐड करनी है। जर्दे का रंग हम इसमें ऐड करेंगे इसका थोड़ा सा अच्छा कलर देने के लिए, हल्का सा जर्दे का रंग जाएगा, पिस्ता बादाम या सिर्फ बादाम आप इसके ऊपर गार्निश करेंगे, अदरवाइज़ नहीं है तो आप सादा भी बना सकती हैं, ठीक है। और जो बेसन के लड्डू बनते हैं वो भी इसी तरह ही बनते हैं, इसी तरह के मिक्सचर से बनते हैं, वो भी इंशाल्लाह बनाना सिखा दूँगा आपको, ठीक है। ऐसा चंगी तरह माँ बेसन के इतने पचाएँ पे ताकि बेसन जो जो कच्चोपन है वो ख़त्म किए, क्योंकि बेसन का कच्चापन आपने ख़त्म करना होता तो इसको पकाने के लिए हमारे पास टाइम लगता है। इसको यूँ फैलाती जाएं, बस जलना नहीं चाहिए, जलेगा पीसेस नज़र आएंगे और वो टेस्ट ख़राब होगा। अच्छा, अच्छी तरह यहाँ पे हमने पकाते रहना है, इसको इस तरह फैलाते जाएंगे, और जब 10 मिनट हो जाएंगे आपको बेसन को भूनते हुए तो फिर हम इसमें शीरा डालेंगे। शीरे को भी चेक करते हैं यहाँ पे, अच्छी तरह चीनी का जो दाना है वो बिल्कुल इसके अंदर गल जाना चाहिए, 1.5 कप चीनी, 1.5 कप पानी, 1.5 कप चीनी, 1.5 कप पानी, इसको पका के, अभी भी चीनी इसमें डिसॉल्व नहीं हुई है, शीरा बनाना है, 8 से 10 मिनट ये पकेगा, उसके बाद ये शीरा हम बर्फ़ी के मिक्सचर में ऐड करेंगे, फिर इसको पकाएंगे। लाहौर से कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम,
जी वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आप शायद टीवी में देख देख के बात कर रहे हैं तो लाइन ड्रॉप हो जाती है। हेलो, ओके, जब भी कॉल करें टीवी का वॉल्यूम बंद करके या दूसरे कमरे में जाके बात किया करें, ठीक है। अभी अच्छी तरह भुनाई हो गई है, बेसन की बहुत अच्छी सी यहाँ पे खुशबू आने लगी है, तो मैं इसमें ये जो शीरा तैयार हुआ है इसको और पकाएंगे 2 मिनट अच्छी तरह, ठीक है। चाश देखा है, ये अच्छी तरह पकाएंगे चंगी तरह के पचाइंदा सी। दोबारा रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ। बेसन की बर्फ़ी के लिए हमने किया लिया 1 कप भर के बनस्पति घी, 2.5 कप आपने डालना है बेसन। बेसन को हल्की आंच पे 10 मिनट 15 मिनट तक आपने भूनना है, जलना नहीं चाहिए, कलर चेंज नहीं होना चाहिए बेसन का, ठीक है, और जले जले पीसेस ना हो। ये देखिए मैं अभी तक भूनता जा रहा हूँ बेसन को और इसका कलर लाइट सा गोल्डन होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नरम भी हो गया है बेसन, ठीक है, पहले थोड़ा हार्ड हो गया था, अब ये नरम होना शुरू हो गया। अब ये जो शीरा बनाया है, 1.5 कप यहाँ पे था पानी और 1.5 कप चीनी, इसका शीरा बनाया और ये शीरा मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, इस तरह करके आपने इसके अंदर शीरा ऐड करना है, ठीक है। ये शीरो अंदर बिंदो, ठीक है, इस तरह अच्छी तरह आपने मिक्स करना है शीरे को, ये बिल्कुल सेट होना शुरू हो जाएगा। पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, ठीक है, 1.5 कप पानी 1.5 कप चीनी का शीरा, साथ ही आधा ये डालने के बाद इलायची का पाउडर चला गया, इलायची का पाउडर छिलकों के साथ होना चाहिए, ठीक है, वो आपने इसमें मिक्स करना है। अभी 3-4 हिस्सों में करके मैंने शीरा इसके अंदर ऐड किया और शीरा डालने के बाद आपने इसको नरम होने तक इस तरह घुमाते रहना। अभी बिल्कुल नरम सा ग्लेज सी बन जाएगी, ठीक है, ये पहले इस तरह फैलेगा फिर ये खुद ब खुद जगह छोड़ना शुरू हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा डालेंगे जर्दे का रंग, 2-3 पिंच, ज़्यादा नहीं, कलर देने के लिए, ठीक है। जर्दे जो रंग थोड़ा सा विधवा रंग नहीं जला वधिक ना भी जंदो, अगर चाहें तो लिक्विड में भी जो हमने शीरा बनाया था उसमें भी आप जर्दे का रंग मिला सकती हैं, ठीक है। ये देखें थोड़ी मेहनत है, टाइट हो जाता है हाथ में, थोड़ा सा हो सकता है आपको मुश्किल लगे घुमाना, लेकिन अच्छी तरह ये देखें इस तरह आपने हल्की आँच पर, अभी ये देखें बिल्कुल जगह छोड़ दी इसने, पतीला दिखा रहा हूँ, ये देखें इसको आपने अच्छी तरह घुमाना है, सख्त होता है ये और बहुत अच्छे हाथ से आपने घुमाना है, इसमें दाना नहीं बनना चाहिए। देखिए कितो ज़बरदस्त असाजो तैयार थे पो, बस ये हो गया बर्फ़ी का मिक्सचर तैयार, ठीक है। इस तरह दाना बिल्कुल इसका ख़त्म हो जाए, उल्टा चम्मच करके इसके ऊपर ये घुमाते जाएं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लेना है एक सांचा, सिल्वर के जैसे ही मोल्ड होते हैं सांचे होते हैं, इसमें आपने बटर पेपर लगाना है, ठीक है। ये देखें अब घी छोड़ना शुरू हो गया है, मैं इसको अभी हल्का हल्का घुमाता जाऊँ। अंदर बटर पेपर लगाना है या ब्राउन पेपर लगा लें, ठीक है, इस तरह के मोल्ड मिल जाते हैं, या ट्रे हो इस तरह की चौड़ी सी, थोड़ी छोटे साइज़ की हो लेकिन ऊँची हो, इसके अंदर आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या बनस्पति घी डाल के इसको आपने ग्रीस करना है, चारों तरफ से पहले ग्रीस करें, थोड़ा बटर पेपर पे लगाएं ताकि बर्फ़ी जब आप बना लें तो उसको निकालना आसान हो जाए, ठीक है। ये अच्छी तरह ग्रीस हो जाएगा बटर पेपर, ये चंगी तरह ग्रीस थी हो और चारों तरफ भी आपने, हाँ ब्रश नहीं है तो आप हाथ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये जो हमारा मिक्सचर है बर्फ़ी का ये उठाएँगे, ये देखिए बिल्कुल शाइनिंग आ गई, इसने घी छोड़ दिया जी, बिल्कुल परफेक्ट है वाह, ठीक है। बर्फ़ी जो मिक्सचर इस तरह का होना चाहिए, ये पूरा सेट हो गया। इसको चूल्हा बंद करेंगे और इसको उठा के हमने सांचे में डाल देना, देखिए बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी नहीं लगा, एक भी दाना कहीं लगा हुआ नहीं है, ठीक है, इस तरह क्लियर होना चाहिए, बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने मिक्सचर उतारना है, इसमें जल्दी जल्दी छोड़ना नहीं वरना इधर ठंडा होके ये जमना शुरू हो जाएगा। चम्मच से उतारें, ठीक है, चमचे का लाइन दो, उसके बाद आपने क्या करना है इसको अंदर सेट करना, गरम होता है हाथ इस पर ना लगे, हाथ में लगेगा स्किन जल जाएगी आपकी, ठीक है, गरम हों हथ से ना लगे स्किन सड़ी वी तथा हथ जी खल सड़ी वी, इनके हिं सेट कर, या कोई ऐसे स्क्वायर चीज़ हो उससे दबा दबा के
बिल्कुल इक्वल साइज़ का आपने इसको सेट करना है चारों तरफ से बर्फ़ी, ठीक है। इसको ठंडा करके आपने इसके पीसेस काटने और ये बड़ी ज़बरदस्त बर्फ़ी बनेगी बेसन की, ठीक है। सर्दियों की परफेक्ट ये ज़बरदस्त रेसिपी है। फरमाइश आ रही थी काफ़ी इसकी, हमारी सुस्ती थी, बना नहीं रहे थे क्योंकि मेरे पास रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा हैं, फरमाइशें बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं कोशिश करके सबकी पूरी कर रहा था। तो ये भी थी, तो ये भी इंशाल्लाह आप लोग बना के देखिएगा। देखिए बिल्कुल परफेक्ट एक जैसी हो गई। अब हम क्या करेंगे, बादाम चॉप किया हुआ इसके ऊपर डालेंगे, या पिस्ता है, बादाम है, मिक्स है, अगर नहीं है तो आप सादा भी बना सकती हैं, ठीक है। बादाम भी जंदा सी इन तरीके से चॉप थे। बादाम डालने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह का स्पैचुला होना चाहिए, ठीक है, प्लेन, ताकि ये इसको दबा दें। ये देखें, ये देखो दबाई छंदासी इन तरीके से सेट करंदासी, और इसको ठंडा करने के लिए मैं छोड़ दूंगा, आपने एक घंटा छोड़ देना। मैं यहाँ एसी के नीचे थोड़ा रखवाता हूँ कि ताकि इसका रिज़ल्ट कुछ निकल के आए। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ठीक है। ये देखें हमारा ये परफेक्ट बन गया है, ये देखो परफेक्ट ही बर्फ़ी जो मिक्सर तैयार थी वो, इसको आप छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ठीक है। ब्रेक तो था, ब्रेक का पहुँची रेसिपी कंटिन्यू क्यों था। वेलकम बैक नाजीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेका रेसिपी ठही हुनखे मां हुते थधो करण जे लाइ मोकिले छॾियो आहे, ठीक है। उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है, और यहाँ पे कोरमा जो है इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया, ये बिल्कुल तैयार हो गया, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, ये देखिए ज़्यादा ना इसमें ऑयल है, ठीक है, ना ज़्यादा लिक्विड है, घी ऊपर आ गया है। अब ये इसमें हमने क्या डालना है, इसमें हमने डालना है केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर बोतल वाला बड़ा जो लिक्विड की तरह मिलता है, ये एक खाने का चम्मच, अगर केवड़ा एसेंस छोटी शीशी वाला मिलता है वो, तो दो तीन ड्रॉप्स डालिएगा, ठीक है। तो मैंने एक खाने का चम्मच केवड़ा वाटर डाल दिया। केवड़ा वाटर लिक्विड वालों जो मिलो है वो एक खाने जो चमचो, आई अगर तुम विझो पाया नंढी शीशी में जो अचे तो वो बढ़ते कतरा विझो, ना विझो, छो तेज़ हों, अत्तर वगर तेज़ हों, लगन परफ्यूम पियो पे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लेना है ग्राइंडर, ठीक है। ग्राइंडर में हमने ब्राउन प्याज को इमाम दस्ते में आप कूट लें, हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको ग्राइंडर में पीसेंगे, और इसको स्पेशल एक फ्लेवर देने के लिए भी क्या करना है, सबसे पहले वो करते हैं। यहाँ पे डालेंगे लौंग, कितनी, 5 से 6 अदद लौंग, 6 अदद छोटी इलायची, ठीक है, और जायफल जावित्री का, जायफल का एक पीस, ये छालिया की तरह होता है जो, ये छोटा सा पीस, और जावित्री की पत्तियाँ, ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दी हैं 2 से 3 जावित्री की पत्तियाँ थोड़ी सी, जायफल का पीस छोटा 1/2 टीस्पून जितना दोना होना चाहिए, ठीक है। छोटी इलायची इसमें डाल देंगे 6 से 7 अदद और लौंग 5 से 6 अदद। तीनों चीज़ें डाल के हमने ग्राइंड करनी जो हम कोरमे के ऊपर डालेंगे फ्लेवर देने के लिए। का नंढा पोटा 6 लौंग 4 का 5 और जायफल जावित्री थोड़ी सी, ये देखें ये मैंने बना के इसके ऊपर छिड़क देना है, इससे खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है, ठीक है। थोड़ी सी जायफल जावित्री अगर पाउडर फॉर्म में तो 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम ले लीजिएगा, इलायची 6 और लौंग 5 से 6, ये डालने के बाद इसी में हमने क्या करना है, अब ब्राउन प्याज जो हमने करके रखा हुआ था वो हमने डाल देना है। आपने इमाम दस्ते में कूट लेना है ब्राउन प्याज को, क्योंकि दानेदार बनाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं इसको ग्राइंडर में चलाऊंगा और ये डाल के फिर हमने इसको दम पे लगा देना है। देखो पाउडर नहीं बनना चाहिए, कुटा हुआ होना चाहिए, बस हल्का सा मैंने चलाया और ये प्याली में निकाल के दिखा रहा हूँ, इस तरह का दानेदार, ठीक है, दानेदार उजड़ खपे। प्याली में वो कटी छड़ी, इस तरह का होना चाहिए। अब चूल्हा ऑन करेंगे आखिर में, ठीक है, और ये जो ब्राउन प्याज है ये इसके अंदर ऐड करेंगे, इससे कोरमे का ओरिजिनल टेक्सचर बनता है ब्राउन प्याज से, ठीक है। ये मिक्स किया ब्राउन प्याज, केवड़ा वाटर और पाउडर जो ऊपर से बना के डाला, जायफल जावित्री, इलायची और लौंग का पाउडर ज़रूर बना के डालना, इससे खुशबू आएगी।
अब मैं इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर रहा हूँ, गाढ़ा टेक्सचर इस तरह का आना चाहिए। ठीक है, ये ॾिसो इन तरीके जो टेक्सचर अचण खपे, इनके वधीक पतलो न कंदा। सो ये डालने के बाद आपने इसको घुमाया और इसको सिर्फ 5 मिनट आपने दम पे लगाना है, क्योंकि प्याज हमारा कच्चा नहीं है, ब्राउन है, तो इसमें ज़बरदस्त सा फ्लेवर बन जाएगा। 5 मिनट आपने दम पे लगाना है। बीफ मटन सेम इसी तरह होगा, बीफ को आपने चेक करना है, जब गल जाएगा फिर आपने इसमें प्याज और ये सब चीज़ें डालनी है बॉर्डर बना बना के। ठीक है, वडे जो गोश्त आए बीफ जो या मटन जो आए तो तदे भी तां पहिरीं हुनखे ॾिसिजो गोश्त गरी वञे, हुन जे बाद ॻाढ़ो बसर विझिजो, एंड में जॾहिं कौरमो तयारु थिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही, बिल्कुलु वही जो शादियों में देगी कौरमे से खुशबू आती है, सेम वही वाली इसकी खुशबू आ रही है। ठीक है, इसको साफ़ कर लेते हैं और वो मैंने वहाँ रखवा दिया है थोड़ा एसी की तरफ ताकि सेट हो जाए, तो कोशिश करेंगे अगर सेट हो गया तो फिर इसके पीसेस करके निकालेंगे, अदरवाइज़ फिर ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर आप लोगों ने 2-3 घंटे छोड़ना है बर्फ़ी को, फिर उसके स्क्वायर में पीसेस काट के अपने निकाल के खाने हैं। ठीक है, इसको 5 मिनट हम दम पे लगा रहे हैं। कोरमे की रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ, देगी कोरमा बना रहे हैं। फरमाइश थी देगी कोरमे के लिए आपने क्या क्या लेना है, 5 खाने के चम्मच बनस्पति घी, 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल मैंने मिक्स करके डाला, या सिर्फ आप 10 खाने के चम्मच बनस्पति ले लें या सिर्फ 10 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन बनस्पति घी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। पैकेट वाला लीजिएगा, खुला नहीं लीजिएगा, वो अच्छा नहीं होता। पैकेट वाला अच्छी ब्रांड का लें, खुशबू होती है। ठीक है, या देसी घी में बनाती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, बनाना चाहें तो बना सकती हैं। वो गरम किया, उसमें आपने डालना है साबित गरम मसाला, जिसमें 2 तेज़पत्ते, 2 बड़ी इलायची, 6 से 8 छोटी इलायची, 6-7 लौंग, साबित काली मिर्च आपने डाल देनी है 15 अदद और 2 दालचीनी के स्टिक। ठीक है, ये साबित गरम मसाले डाल के हल्के से कड़कड़ाहट आने लगेगी, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, घी जब ऑयल गरम होगा तो आपने बड़े 2 प्याज या 3 मीडियम साइज़ के प्याज हाफ स्लाइस कटिंग करके ब्राउन करके निकाल देने, उसके बाद आपने साबित गरम मसाला भगार करके बीफ या मटन जो भी यूज़ कर रही वो डालना है, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच डाल के खूब भूने बीफ या मटन जो भी है। अच्छी तरह भूनने के बाद हमने क्या किया था, इसमें डाले मसाले, जिसमें पिसी लाल मिर्च 1 से 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 से 3 चाय के चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, जीरे का पाउडर 1 चाय का चम्मच और जायफल जावित्री का पाउडर डाला था इसमें 1 चाय का चम्मच। ठीक है, और कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है देगी कोरमे का, देगी लाल मिर्च का, तो वो आपने पाउडर फॉर्म में डालना है 1.5 से 2 चाय के चम्मच। सारे मसाले डाले, साथ ही थोड़ा पानी का छींटा देंगे 1/2 कप से थोड़ा कम, ताकि मसाले डार्क ना हो जाए, ब्राउनिश गोल्डन सा रेडिश सा कलर आना शुरू हो जाएगा। फिर आपने इसको थोड़ी 2-3 मिनट भूनना है, उसके बाद आपने 1 कप दही डालना है, दही डालने के बाद आपने इसको 4-5 मिनट भूनना है, उसके बाद चिकन को आपने पानी डालना है 3 कप या 4 कप ज़्यादा ज़्यादा चढ़ा देना है। ठीक है, बॉयलिंग आने दें, उसके बाद चढ़ा दें, 20 से 25 मिनट में तैयार हो जाएगा। बीफ और मटन है तो फिर आपने 2 से 2.5 गिलास पानी डालना है और उसको चढ़ा देना है हल्की आँच पर, कुकर में प्रेशर देंगी तो 12 मिनट का प्रेशर देना है। ठीक है, गोश्त गल जाएगा, तैयार हो जाएगा, चिकन का तो हो जाता है, बीफ का चेक कीजिएगा या मटन का। उसके बाद आपने क्या करना है, लाड़कने का कॉल बैठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, छा हाल आहिनि तव्हांजा? अलहमदुल्ला ठीक, तव्हां ॿुधायो? मां अलाह शुक्र, कुझु चवणु चाहींदो? जी जी, असां फरमाइश आहे चिकन समोसा। चिकन समोसा? समोसा त थोरो इंतज़ार कजो, हाणे बसि 1-1.5 महीनो रहिजी वियो, इनशाला पोइ रमज़ान खां पहिरीं ठाहिणु सेखारिबा। ठीकु आहे, थैंक यू जी, अलाह हाफ़िज़। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप देखेंगे गोश्त गल गया है, फिर आपने इसमें डालना है केवड़ा वाटर 1 खाने का चम्मच, अगर केवड़ा एसेंस है तो 2-3-4 ड्रॉप्स डालेंगे, वो तेज़ होता है। ठीक है, केवड़ा वाटर डाल दिया। ठीक है, वो डालने के बाद आपने क्या करना है, एक मसाला बनाना है जिसमें छोटी इलायची 6 लौंग 4 से 5 अदद और जायफल जावित्री का इतना ले लें दोनों पीस मिला के कि 1/2 टीस्पून जितना बन जाए, तीनों चीज़ों को पीस के चारों चीज़ों को आपने ऊपर से डाल देना है। फिर जो ब्राउन प्याज करके निकाला था उसको कूट के मोटा मोटा दरदरा सा दानेदार वो आपने मिला देना है, मिला के आपने दम पे लगा देना। हरी मिर्च वगैरह इसमें नहीं जाती और कोरमा हमेशा दही के साथ बनता है। ठीक है, दानेदार कोरमा। अब इसको 10 मिनट आपने छोड़ देना है, पकता रहेगा, कोरमा हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, और बेसन की बर्फ़ी थोड़ी सी सेट हो जाए तो फिर कोशिश करेंगे अगर कटी तो उसको काट के निकालेंगे। ठीक है, ईज़ी है कोरमे की रेसिपी, ये थी वो तैयार कोरमा, देगी हमारा हो गया तैयार। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, देखें कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल दानेदार गाढ़ा कोरमा जैसे होता है उसी तरह बनाया। और अगर आप लिक्विड करना चाहती हैं तो फिर वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैंने सेम वही बनाया जो शादियों वाला कोरमा होता है। ठीक है, ये कम खाया जाता है और ये गाढ़ा भी बहुत होता है। कोरमे को हम निकाल लेते हैं, थोड़ी देर छोड़ेंगी तो इसका जो ऑयल है
वो ऊपर आना, सॉरी घी है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट वही शादियों वाला कोरमा तैयार हुआ है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ग्रेवी बढ़ाना चाहें तो एक कप बढ़ा सकती हैं, वो भी सिर्फ उस टाइम जब आपने पानी डाला। ये ना कि बाद में आप जब देखें कि कोरमा गाढ़ा हो गया है तो अब हम इसमें पानी मिलाएं तो इसको पतला करें, ऐसा कभी भी नहीं कीजिएगा। फिर वो कोरमे का टेक्सचर, वो लुक, वो कलर और वो जायका जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, पानी का टेस्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। अब इसका जो मसाला है भुना हुआ, ये ऊपर से इस तरह, ये होता है ओरिजिनल देगी कोरमा जो आप शादियों में खाते हैं। ठीक है, ये होंदो आ ओरिजिनल देगी कोरमो जेको शादी में ठहंदो आ। और ये जितनी क्वांटिटी में इस तरह गाढ़ा बनाए आराम से 6 अफराद खाते हैं, ये थोड़ा थिक होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऑप्शन और भी दे दूं कि अगर आप बादामी कोरमा करना चाहती हैं तो 2-20 दाने बादाम के पानी में भिगो के छिलका हटा के गर्म पानी में बॉयल कर लें, 2 मिनट छिलका हटा के उसको पीस लें। ठीक है, उसका या कूट लें, फिर वो आप डालेंगी जब प्याज आपने ऐड करना है तो फिर आपका वो बादामी कोरमा बन जाएगा। ठीक है, वो आप कर सकती हैं इसको बादाम, और अगर साबित बादाम डालना चाहती हैं तो बॉयल करके बादाम को थोड़ा या पानी में भिगो के छिलका गर्म पानी में वो हटा दें इसका छिलका, तो वो आपका हो जाएगा कोरमा तैयार। ठीक है, ये हमारा हो गया देगी कोरमा तैयार, बिल्कुल परफेक्ट। बाकी मैं निकाल रहा हूँ, इतना निकाला है ताकि आप लोग इसका टेक्स्चर देखें और अच्छा लगे। ठीक है, ये आराम से 5 से 6 अफराद खा सकते हैं। हो गई ये बर्फ़ी सेट, हाथ से देखें करके थोड़ा दबा के। ठीक है, देगी कोरमा से तैयार थी वो, लिक्विड आपने ज़्यादा नहीं बढ़ाना। ठीक है, इन तरीके से ठाए जो ॾाढो ज़बरदस्त ही ठहंदो, ऐं हिन खे नान सां गॾु ई खाइबो आहे। ठीक है, मानी सां बि खाईंदा आहिनि माण्हू, लेकिन हिन जो जेको असल मज़ो आहे उहो नान सां गॾु हूंदो आहे। ठीक है, ज़्यादा ये नान के साथ, वाइट नान, तिल वाले नान के साथ आप कुल्चे के साथ खा सकती हैं। अब हम आते हैं बर्फ़ी पे, बर्फ़ी देखते हैं, अगर सेट होगी तो निकालूंगा, अदरवाइज़ नहीं, नरम होगी क्योंकि इसको टाइम लगता है। मैंने बनाना तो सिखा दिया आपको लेकिन इसको टाइम लगता है, तो आप लोगों ने इसको टाइम देना है। ठीक है, ये हमारा हो गया तैयार कोरमा और ये हमारी होगी बर्फ़ी। इसको आपने कट किस तरह लगाना है वो मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ। नोक वाली छुरी रखनी है आपने, ठीक है, नोक वाली छुरी खड़न दो। ये देखें, इसके आपने इस तरह, ये अभी नरम है, ठीक है, इस तरह हल्के 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 आपने कट लगाने, अभी ये नरम है। देखिए, अगर मैं इसको अभी निकालूंगा तो ये एकदम फैलना शुरू हो जाएगा, तो इसको आपने रखना है 2 से 3 घंटे। इस तरह आपने कट लगाने और फिर इस तरह कट लगाने, तो ये इस तरह कट लगाएंगी। अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ, देखिए छुरी पे आ रहा है, अभी अंदर से गर्म है। ठीक है, ये आपने छोड़ देना है। और अगर आप इसको हलवे की तरह खाना चाहती तो आप इस तरह हलवे की तरह भी खा सकती हैं। बिल्कुल परफेक्ट बर्फ़ी बनी है, और 3, 3, 6, 3, 9 पीस आप कर सकते हैं, और अगर थोड़े पतले करना चाहेंगी तो आपके 4, 4, 12 पीस निकलेंगे। ठीक है, अगर थोड़ा पतलो करना चाहेंगे तो 12 पीस निकलेंदा, न तो पो इंजन 9 पीस निकलेंदा। बस ये हो गई हमारी रेसिपी कंप्लीट। कल की रेसिपी देखिएगा, आप लोग की फरमाइशों को अहमियत देता हूँ ज़्यादा, ताकि आप लोग की फरमाइशें पूरी करूँ, क्योंकि आप लोग को इंतज़ार रहता है बहुत ज़्यादा। तो कोशिश करके कल भी आप लोग की फरमाइश जो होगी वो देखते हैं क्या है डायरी में, तो इंशाल्लाह कल का प्रोग्राम मिस नहीं कीजिएगा और परसों का प्रोग्राम। बड़ी सारी आप लोग की फरमाइशें जिन जिन की हैं मैं देखूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल सुबह ये 9 बजे रिपीट चलेगा, ठीक है, कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा, रिपीट में देख लीजिएगा। सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल है, या सिंध टीवी HD कुकिंग शो या कुकिंग विद फैसल भी सर्च करेंगी तो आपको यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगा। इस जो प्रोग्राम होता है शाम तक अपलोड हो जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मॉर्निंग शो सलाम सिंध जहाँ तमाम एपिसोड्स डिसो हाने HD क्वालिटी में।
विजिट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिंध टीवी एचडी।